नमस्कार वर्गो, वर्गो यानी कन्या राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण आपका रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन, मून साइन या नाम राशि किसी से भी आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग और ये रीडिंग जो है 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वर्गो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। अगले 72 आवर्स में वर्गो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, द मून, जजमेंट एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं उन्हें फील हो रहा है, वो महसूस कर रहे हैं वो कि ये जो अननोन फियर है, जो सोच सोच कर उन्होंने इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है और एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम हो चुकी है, वो सो नहीं पा रही है। तो उन्होंने सोच लिया कि अगर वो इस ये अननोन जो फियर है वो उनके खुद के बनाए हुए हैं, जब तक वो इस इन चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाते रहेंगे कि उनके पार्टनर जो वर्गो हैं उनके उनसे चीटिंग कर रहे हैं, हेराफेरी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो या फिर कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो तब तक पनौती बाधाएं आती रहेंगी। तो वो सोच रहे हैं, उन्हें फील हो रहा है कि ये जो ये डरावने सपने हैं वो उनके खुद के बनाए हुए हैं। तो इन अननोन फियर से बाहर निकलते हुए वो थोड़ा सा सत्संग कीर्तन में या पॉजिटिव लोगों की संगत में रहने के बारे में सोच रहे हैं, और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के वो आमने सामने खुल कर बातें करना चाहते हैं, ताकि जो ये ग्रहण सा लग गया है इस रिश्ते पर वो ख़त्म हो सके और इस रिश्ते का सॉल्यूशन, हल वो ढूंढ सके। तो इस रिश्ते का वो एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की बजाय वो इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, और वो फील कर रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि अगर एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से प्रेम से एक दूसरे से पेश आएंगे और एक दूसरे को गले लगाएंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, तो फिर से ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन में तब्दील हो सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढेंगे और किसी तीसरे पर्सन की मदद लेने के वो अपने आमने सामने ही इस रिश्ते में खुल कर बातें करेंगे, ताकि जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए और एनवायरमेंट पॉजिटिव हो जाए और रिश्ता रिकॉन्सिलेशन में तब्दील हो जाए। तो देखते हैं वर्गो आप क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड जस्टिस। तो वर्गो आप को लग रहा है, आप फील कर रहे हैं कि ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है इनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन को बाहर निकलना पड़ेगा। तो आप ने सोच लिया है कि जब तक आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे रहेंगे, आंखों से पट्टियां नहीं खोलेंगे, एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, या तो मतलब इस रिश्ते में बातें हो ही नहीं रही हैं, या तो आप नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं, या दोनों तरफ से ही नहीं हो रही हैं, और अगर हो भी रही है तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाने के, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे रहने के, तो आप आंखों से पट्टियां खोलते हुए स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आना चाहते हैं, इस जकड़न से बाहर आना चाहते हैं और अपने पर्सन से बातें करते हुए इसमें
एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, न्याय प्रिय इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। आपने महसूस किया कि अगर आप एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता फिर से न्यायप्रिय बन सकता है, फिर से जस्टिस मिल सकता है, न्याय आ सकता है इस रिश्ते में, और इस ये रिश्ता क्रिएटिव बन सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम बढ़ सकता है, और काफ़ी जिसके साथ भी इस रिश्ते में आएंगे, यानी कि दोबारा से ये रिश्ता जुड़ेगा, तो फिर से इस रिश्ते में वही खुशियाँ, वही प्यार, वही मोहब्बत हो सकता है, और एक दूसरे की भावनाओं को समझा जा सकता है, और बहुत जल्दी वर्गो आप महसूस कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको इससे बच्चा भी मिल सकता है, यानी कि ये जो है एक प्रेगनेंसी का भी कार्ड होता है, कि अगर आप इस रिश्ते में आएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, फिर से रिकॉन्सिलेशन करेंगे, तो बहुत जल्दी उनके घर में बच्चा भी आएगा और खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में फिर से आ जाएंगी। तो इसलिए इन बाधाओं से, इन दिक्कतों से आप बाहर आना चाहते हैं, और इसमें थोड़ा सा समय कह सकते हैं कि 3 सप्ताह से लेकर 7-8 3 कुछ केसेस में तो 3 दिन के बाद भी हो सकता है, इन फ्यू केसेस 3 दिन के बाद भी छोटी मोटी बातें अगर कोशिश करेंगे तो आप होने शुरू हो जाए, और नहीं तो 3 सप्ताह के से लेकर 8-9 महीने तक का भी समय, आपका 8-9 हफ्ते तक का भी समय इसमें लग सकता है, धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाने में और इस परेशानी दुविधा से बाहर निकलने में अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर से इसका सॉल्यूशन और हल निकाला जा सकता है, और फिर से बैलेंस आ सकता है इस रिश्ते में, और न्यायप्रिय रिश्ता बन सकता है, जस्टिस आ सकता है, बस अर्थ है कि फिर से एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेलें, कोई ऐसा काम ना करें कि यूनिवर्स को बैकफायर करना पड़े। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्सी गाइड में, नहीं अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे वर्गो के पर्सन, देख लेते हैं वर्गो के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, चलिए देखते हैं। 4 of Cups, 7 of Swords एंड King of Cups। तो वर्गो जो आपके पर्सन है, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही इमोशंस हैं, प्यार है, प्रेम है, भले ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कंफ्यूज्ड हैं, वो चाहते हुए भी इस परेशानी इससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें वही रिश्ता चाहिए, वही पर्सन वापस चाहिए जो उनकी लाइफ से जा चुका है या उससे रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, और वो उनसे बातें करेंगे, जो बातें नहीं हो पा रही हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, या फिर वो ये भी हो सकता है कि जब, क्योंकि वो अभी इस रिश्ते में कन्फ्यूज़ हैं, परेशान हैं, ऑप्शन होते हुए भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो कैसे इस परेशानी से बाहर निकलें, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई चीटिंग, कोई फ्रेप, कोई धोखाधड़ी, कोई हेराफेरी उनके साथ हो रही है, तो इसलिए वो अपने आपसे चाहते हैं, वर्गो से चाहते हैं कि वर्गो इस रिश्ते में आगे बढ़े और क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, उनसे कुछ भी ना छिपा कर रखें, और कोई धोखाधड़ी, कोई हेराफेरी उनके साथ ना करें, और उन्हें इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकालें, और एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करें, ताकि इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकला जा सके और इसका हल निकल सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस रहेगी, यूनिवर्स की गाइड में प्लीज वर्गो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। द लवर्स, द हर्मिट एंड 4 of Pentacles। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी
आप सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति जो प्यार है, जो लगाव है, जो अटैचमेंट है, सिर्फ और सिर्फ आप उसको मत देखिए, क्योंकि प्यार के साथ साथ इस रिश्ते में कुछ लस्ट भी हैं, एडिक्शन भी हैं, और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है इस रिश्ते में। चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। जब तक आप चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे, समय को समय नहीं देंगे, वक्त नहीं देंगे, समय के साथ चीज़ों को बहने नहीं देंगे, उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जब तक उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तो तब तक इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि जब तक आप आमने सामने बैठकर क्लैरिटी नहीं लाते, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं करते, खुलकर सारी जो भी इसमें लस्ट हैं, जो भी एडिक्शन है, उनके बारे में एक दूसरे से नहीं बताते, तो तब तक आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने अपने पैरों पर खड़े हुए थोड़ा सा स्पेस लीजिए और हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, ताकि आप अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो जो कि आपका मार्गदर्शन करने में आपकी मदद और हेल्प करेगी। तो उसके बाद ही आपको इसमें जो है आपके अंदर से जो भी आवाज़ आए, जो आपको लगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग एक दूसरे से बातें करते हुए आपको इधर उधर भटके बिना आपको डिसीजन लेना है, एक दूसरे की भावनाओं को बताना है, क्योंकि इसमें प्यार के साथ साथ अटैचमेंट के साथ साथ कुछ दूसरे के प्रति भी अट्रैक्शन है। वो क्योंकि ये नहीं है कि आप करेक्टरलेस हैं या कोई गलत है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन किसी किसी की आदत होती है कि दूसरा घर में अगर कोई सामने से आता है तो उन्हें किसी के साथ बातें करने में अच्छा लगता है और उनके पार्टनर को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से रिश्ते में दरार आती हैं, बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आती हैं। तो उन सब चीज़ों का आपको एक दूसरे के प्रति खुलकर खुलासा करना है, क्लैरिटी लानी है, तभी आप सोच विचार करके आगे बढ़िएगा। अभी जो है आप स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी भावनाओं को समझिए, तभी आप रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा। सिर्फ और सिर्फ प्यार को देखकर या अटैचमेंट को देखकर आगे मत बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है अगर आप हेल्प करते हैं। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, जो मुझे मोटिवेशन देता है और मदद करता है। तो तब तक हैप्पी रहें, खुश रहें, वीडियो देखते रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।